पिछले ब्लॉग में आपने त्रिवेणी नारायण मंदिर का पूरा वीडियो देखा, वहाँ के बारे में सुना, वहाँ के बारे में समझा जहाँ पर माता पार्वती और भगवान शिव का शादी हुआ था, और साथ ही साथ उस अग्निकुंड को देखा जहाँ पर उन्होंने सात फेरे लिए थे। और आज की वीडियो में हम रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग का खूबसूरत सफर का आनंद लेने वाले हैं। भाई साहब, इतने जल्दी में सब कुछ हो गया, पता ही नहीं चला। पर दर्शन भी हो गए और साथ ही साथ अंकल आंटी मिल गए, हरिद्वार के रहने वाले हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं। तो उन्होंने बोला कि आप कैसे जाओगे हरिद्वार के लिए, तो मैं बोला बस से जाएंगे, तो बोले मेरे साथ चलो गाड़ी से, तो मैं बोला ओके ठीक है। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि अगर आप केदारनाथ यात्रा पर हो और आपको साथ ही साथ कोई मिल जाए, आपको ड्रॉप करने के लिए गाड़ी मिल जाए आपको, और काफ़ी अच्छे लोग हैं, काफ़ी अच्छे हैं अंकल आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। तो ये है गाड़ी उनकी, और अभी हम यहाँ पर रुके हुए हैं खाने पीने के लिए कुछ, और उसके बाद खा पी कर यहाँ से निकलेंगे। और ये है भाई साहब होटल, यहीं पर रुके हुए हैं। चलिए मस्त खाते पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं। वाह, तो भी मस्त खाना पीना हो गया है और अभी थोड़ा आराम कर रहे हैं और उसके बाद निकलेंगे घर की तरफ। एंड यहाँ पर भैया भी मिले हैं हमें। आप कहाँ के रहने वाले भैया? दिल्ली। दिल्ली, अच्छा। तो भैया भी हमें मिले, त्रिवेणी नारायण मंदिर में मिल गए, ये भी साथ ही जा रहे हैं। अंकल जी, अब हरिद्वार में ही रुकेंगे ना? ऋषिकेश। ठीक है, हम भी वहीं उतर जाएँगे। ऐसे में अगर कोई मिल जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है। इतनी दूर ना वो हमको जानने वाले ना हम उनको जानने वाले, फिर भी काफ़ी हेल्पफुल लोग हैं, अच्छे लोग हैं। बाकी आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। इस बार हम यात्रा पे मेरे केदारनाथ के काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई, अच्छे अच्छे लोग मिले। जैसे इधर से मैं गया तो एकदम कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत ही 5-6 घंटे में पहुँच गया। और वहाँ पहुँचने के बाद होटल बुक था, मैनेजर से मेरी दोस्ती हो गई, लेकिन उधर से केदारनाथ से आने पर मेरा बुकिंग नहीं था, तो मैं रास्ते में फ़ोन कर दिया उनको, जबकि होटल के उनके सामने 10 लोग बैठे हुए हैं, एक रूम दे दो एक रूम दे दो, वो मेरा वेट कर रहे थे कि वो आएगा और एक रूम एक बेड उनके लिए खाली छोड़ दो, अपने बंदों से बोल के रखे थे, और मैं आया और मुझे दे दिए वो। ये भी अच्छा हुआ। और दूसरी बात ये है कि केदारनाथ ऊपर मंदिर में वहाँ पर एक भैया थे पहचान वाले, तो उनसे मेरी बात हो गई थी, तो वहाँ पर वो अपना स्टे मुझे करवाएं, खाना पीना खिलवाएं, गर्म पानी इसमें मुझे दिए करके ये पीते रहो। और उधर से जब मैं आ रहा था नीचे, तो भी कहें खा के नहीं जा रहे हो तो पैक करके दे रहा हूँ, ये ले कर जाओ खाना। सही। सब कुछ अच्छा हुआ मेरे साथ। हाँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, इतना मतलब महादेव की कृपा से। बाकी अच्छे अच्छे जगह पर अच्छे अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, ख़राब भी मिलते हैं लेकिन अच्छे भी लोग मिल जाते हैं। और मंदिर में सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई 15-20 मिनट में सब कुछ हो गया जल्दी जल्दी, और मैं काफ़ी कुछ शूट करना चाहता था बट वो हो नहीं पाया, वो सब भगवान की माया है। वो बोले कि बेटा बहुत हो गया, अभी तुम जाओ अपने घर। तो देखिए मिल भी गए अच्छे लोग भगवान की दया से, चलो निकलते हैं अभी फाइनली। तो अभी हम पहुँचे रुद्रप्रयाग और यहाँ पर देखिए दो नदियों का संगम, एक है अलकनंदा और दूसरी है मंदाकिनी। अलकनंदा तो बद्रीनाथ से और ये मंदाकिनी आई केदारनाथ से, वो थोड़ा मटमैला है और ये एकदम साफ सुथरा। देवप्रयाग में और दो नदियाँ, यही नदी आगे जाके मंदाकिनी हो जाएगी। अच्छा, अलकनंदा हो जाएगी, सॉरी ये मंदाकिनी है केदारनाथ से आ रही है। हाँ। तो अलकनंदा है बद्रीनाथ से आ रही है। अच्छा, और ये दोनों मिलके हो जाएगी अलकनंदा। अलकनंदा और देवप्रयाग में जाके अलकनंदा। हाँ। और भागीरथी। अच्छा, दो भागीरथी आ रही है आपके गंगोत्री से। हाँ हाँ। गंगोत्री से उत्तरकाशी गंगोत्री। हाँ हाँ। वो देवप्रयाग में मिलेगी। अच्छा, देवप्रयाग में होता भागीरथी और अलकनंदा का, और यहाँ पर है मंदाकिनी और अलकनंदा। अलकनंदा बड़ी नदी है तो अलकनंदा ही मानी जाती है अभी। अच्छा, उसके बाद वहाँ से गंगा जी बन जाएंगे, फिर देवप्रयाग से फिर गंगा। देवप्रयाग से बन, हाँ, देवप्रयाग से भागीरथी में मिल गई ना वो। हाँ। फिर वो गंगा जी का नाम। अच्छा अच्छा, इसके आगे क्या है? देवप्रयाग, वहीं से बनेगी ना। हाँ, वहाँ से भागीरथी में मिलेगी। अच्छा, तो भागीरथी बड़ी नदी है अलकनंदा से। हाँ। तो वो अलकनंदा का नाम नहीं आएगा, भागीरथी का नाम है। अच्छा, यहाँ पर अलकनंदा बड़ी है ना ये।
नदी, तो मंदाकिनी की छोटी है तो मंदाकिनी जो है अलकनंदा में मिल गई। अच्छा, तो अलकनंदा ही बन गई आगे जाते। अच्छा, और देवप्रयाग में यहाँ अलकनंदा, यही वाली अलकनंदा, और उधर टिहरी से गढ़वा उत्तरकाशी से जो आ रही भागीरथी वो मिल जाएगी, और भागीरथी बड़ी है तो वही भागीरथी गंगा बन गई। अच्छा अच्छा, तो वहाँ से बन जाएंगी गंगा जी। अच्छा, सौ के दो दे रहे हो? सौ के तीन नहीं, हम तो होलसेल कर खुद बनाते हैं। अरे इसी के लिए तो बड़े वाले नहीं है, बड़े वाले दिखाइए, बड़े वाले सौ के दो। ये कल सौ के तीन मिल रहे थे मुझे, कितना दे रहा? सौ के दो। कैसे हैं? ढाई सौ रुपए की। यही सबसे बड़ा लास्ट है आपके पास? थोड़ा कलरफुल नहीं है? 200 का लगाओगे आप? थोड़ा कम कर दो तो मैं ले लूं। 220-230। अरे 200 लगाओ यार आप, हम वहीं से आ रहे हैं हम लोग। चलो धन्यवाद, चलो अब चलते हैं। बाबा ऐसी जगह मकान ना रखे, गिरेंगे नहीं है। देखिए मतलब अगर इसमें रात में सोया जाए तो नींद ही नहीं आएगा हमको, तो नींद नहीं आएगी, हम तो इसी चक्कर में रहेंगे कब ये यहाँ से दिखेगा ना, तब तुम घबराओगे, यहाँ से जाओगे ना तब थोड़ी पता चलेगा तुम हम इतने डेंजरस जगह पर। लेकिन है ना डेंजरस जगह। आगे देवप्रयाग पड़ेगा ना? अच्छा कर्णप्रयाग तो पीछे चला गया ना, बहुत पीछे। कर्णप्रयाग तो इसी रूट पर आगे जाते ना, जहाँ पे हम अभी वापस आए। हाँ हाँ, मार्केट को जाता है। अच्छा, वो मार्केट ही वाला रास्ता आगे जाएगा कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग से भी दो रास्ता कट जाता है। अच्छा, एक उधर ग्वालदम साइड को और एक उधर पश्चिम। धारी माता के दर्शन कर लेते हैं। ये है, ये देखिए, अंकल जी ने मुझसे कहा गाड़ी रोके, मैंने बोला रुक दीजिए देख लेता हूँ, अंकल जी की वजह से देखो माता के दर्शन हो गए हैं। तो अभी हम पहुंचे हैं देवप्रयाग, और यहाँ पर भी अंकल जी रोक दिए, बोले यहाँ पर भी देख लो भाई, दर्शन कर लो, तो यहाँ पर भी दर्शन कर ही लेते हैं। ये देखो आप, ये पूरा देवप्रयाग है, कितना खूबसूरत दिख रहा है रात में। और नीचे देखो, एक तरफ है भागीरथी और दूसरी तरफ है अलकनंदा, वो अलकनंदा और ये है भागीरथी, और वहाँ पर है मंदिर, ये देखिए। अब चलो चलते हैं भाई साहब, अभी टाइम हो रहा है 9:30, और अंकल आंटी जी ने मुझे यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, वो गए हरिद्वार की तरफ और मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। तो थैंक यू सो मच आपका अंकल आंटी जी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत ही दिल से धन्यवाद। अभी चलते हैं घर, बस पहुँचने ही वाले हैं। ये है प्रसाद त्रिवेणी नारायण का, और ये केदारनाथ का। ये हो प्रभु जी, हमारा लाख लाख धन्यवाद आपका कि आप दर्शन दे दिए। ये देखो, और ये देखो, ये प्रभु जी, और एक ये है। 2 साल से प्लानिंग करते जाएंगे। चलो जी चलो भाई, थोड़ा बहुत कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद आराम करते हैं। और ये देखो ओठ जल सा गया है, पता नहीं क्यों। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और कमेंट में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर से जरूर लिखना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।